हाय एवरीवन वेलकम टू करण क्रंथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हमारे फंडामेंटल राइट्स इसको हम कंटिन्यू करेंगे ठीक है फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल ट्वेल्व टू ट्वेंटी हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी आर्टिकल ट्वेंटी वन से हम आज कंटिन्यू करेंगे ठीक है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूँ मैं अपनी चैनल पर लेके आ रही हूँ आपके जेके एस सुपरवाइजर एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियोज तो जो हमारा स्पेशलाइजेशन वाला सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने सारा कम्प्लीट कराया हुआ है उसकी सेपरेट प्ले आपको मिल जाएगी मेरी चैनल पर जेके एस एस बी स्पेशलाइजेशन नाम से वहां से आप वो सीरीज देख सकते हैं उसका जो यूनिट सिक्स वाला पोर्शन है वो थ्री पार्ट्स में पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसमें से दो पार्ट्स जो है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किए हुए हैं एंड जो रिमेनिंग पार्ट है उसका थर्ड पार्ट वो भी आपको एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगा ठीक है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी उसके बाद मैं इसका एक एम वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपका जो स्कीम्स वगैरह आपने अभी तक सारी पढ़ी होंगी वहाँ से आप वो क्वेश्चन देकर सॉल्व कर सकते हो उसका मैंने सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनेटरी वीडियो स्कीम्स का इसलिए नहीं लाया क्योंकि सारा वो फैक्चुअल बेस्ड है उसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं होता है तो वो वीडियोज ला आपका भी और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो जाता है आपको बस वो स्कीम्स मेमोराइज़ करनी है एंड देन मैं आपका उसका एक जो टेस्ट सेशन है वो कंडक्ट करूंगी ठीक है अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दो टेलीग्राम्स हैं एक यूपीएससी सोशलॉलॉजी का है और एक आपका जेके एस एस बी का है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी जिसका नाम ही सुपरवाइजर से स्टार्ट होता है आपको वही वाला ग्रुप ज्वाइन करना है और ना कि मेरा यूपीएससी सोशियोलॉजी वाला ठीक है और अगर आप यूपीएससी या स्टेट पी की तैयारी कर रहे हैं एंड आपका सोशलॉजी ऑप्शनल है तो उसके लिए भी आपको मटीरियल मेरी इस पर मिल जाएगा वीडियोज मिल जाएंगे मेरी चैनल पर मैं लेके आती हूँ नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशोलॉजी की जो बुक है वो कवर कर रही हूँ एंड करंटली हम सोशोलॉजी का पेपर बी जो है उसका चैप्टर टेन उसमें कवर कर रहे हैं तो अगर आप इसके एस्परेंट हैं सिविल सर्विसेज के तो भी आपके लिए चैनल जो है बेनिफिशियल रहेगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जो आपको कॉमेंट सेक्शन में हार्ट के अंदर डॉलर साइन दिख जाएगी या अगर सिंस दीज वीडियोज एंड टेस्ट आर कम्पलीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप वॉन्टरली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरी चैनल की तरफ तो आपको यू पी आई आई डी मेरा कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ या मेरी डिस्क्रिप चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी आप वो देख सकते हैं ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन से तो आर्टिकल ट्वेंटी वन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके फंडामेंटल राइट right का क्योंकि ये आपको राइट right देता है राइट टू लाइफ दैट मींस आप पे कोई ऐसा स्टेट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती आपके साथ जिससे आपकी जिंदगी जो है आप सही से एंजॉय नहीं कर पाओ ठीक है दैट मीन्स आपको ऐसा लगे कि मेरी राइट टू लाइफ को ही खतरा है वो आपके साथ कोई नहीं कर सकता क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्रू फंडामेंटल राइट ये राइट right दिया हुआ है कि आप आराम से अपनी जिंदगी जो है वो जी सकते हो अब इस राइट right का कंटेंट क्या बनता है कि नो पर्सन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी शल बी नो पर्सन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी शल बी कर एक्सेप्ट एकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ दैट मीन्स अगर स्टेट में आपकी कंट्री में ऐसी कोई सिचुएशन आज आ जाए कि ऐसा कोई लॉ बनाना पड़े जहाँ पे आपके राइट टू लाइफ के अंडर जितने भी प्रोविजन है उसमें से कोई एक जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए राइट टू लाइफ पे थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन पुट हो जाए अगर स्टेट को लगे ऐसी कोई कंडीशन अराइज हुई है तो ऐसा हो सकता है इसी का मतलब होता है कैन नॉट बी कंटेल्ड हमने सिर्फ यहाँ पे स्टॉप नहीं किया है इसमें एक एक्सेप्शन भी है वो एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ इसका क्या मतलब हुआ आपका पार्लियामेंट जो है ऐसा कोई लॉ बना सकता है किन्नी स्पेशल सिचुएशन में ठीक है जिससे आपका राइट टू लाइफ का कोई एक प्रोविजन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए लेकिन आपको याद रखना है इसमें जो प्रो, प्रोसीजर है स्टेब्लिश बाई लॉ पहले ऐसा माना जाता था कि इसमें जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है दैट मीन जुडिशियरी इंटरव्यू नहीं कर सकती है Fine. लेकिन 1978 में गांधी केस के बाद यह बात क्लियर हो गई कि जो भी आप लॉ एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है दैट आदमी जुडिशियल रिव्यू करेगी कि आपका जो लॉ है वो जायज भी है या नहीं और फंडामेंटल राइट right को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एंड जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंपॉर्टेंट है उस टाइम या नहीं ठीक है वो सारी चीजें जुडिशियल

इसमें एक्सेप्शन है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लॉ कि जब तक गवर्नमेंट ऐसी कोई सिचुएशन में ना फंसे पार्लियामेंट आपका ऐसी कोई सिचुएशन में ना फंसे कि वो लॉ लाना जरूरी हो तो वैसी कंडीशन में ऐसा कोई लॉ आ सकता है जिससे कोई प्रोविजन राइट टू लाइफ का आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाए लेकिन जो वो लॉ बनाएगी दैट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू नाइनटीन सेवेंटी एट में जो मैंने कहा गांधी केस हुआ था ये चीज उसमें डिसाइड हो गई है ठीक है तो ये याद रख लेना एंड राइट टू लाइफ बेसिकली होता क्या है इसका जो मीनिंग है कि राइट टू लाइफ के अंडर क्या आएगा जुडिशरी इस मीनिंग को टाइम टू टाइम एक्सपैंड करती रहती है दैट मीन्स एक अनएंडिंग लिस्ट है ठीक है जिसमें नए नए प्रोविजन एड होते रहते हैं जैसे इसमें आपका राइट टू लाइफ डिग्निटी आता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ठीक है आपका राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इसके अंडर आता है आपका वाटर राइट टू क्लीन वाटर इसके अंडर आता है ठीक है राइट टू लाइवलीहुड राइट टू लाइफ के अंडर आता है राइट टू एजुकेशन ये सारी चीजें जो है आपकी राइट टू लाइफ के अंडर आती है ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है बाद में क्या हुआ था ऐसा एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू ये याद रख लेना आर्टिकल ट्वेंटी वन ए इसको हमने अमेंड किया था एंड इसमें हमने एड किया था आर्टिकल ट्वेंटी वन ए ठीक है तो जहां पे भी आप किसी आर्टिकल के साथ में ये कैपिटल ए देखते हो इसका मतलब है इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई गई है एंड कुछ चीज हमने ऐड की है उस अमेंडमेंट ने क्या कहा था कि आपको राइट टू एजुकेशन है दैट मीन्स हमारी कंट्री में इस टाइम राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट right है ठीक ये याद रख लेना इसके अंडर क्या आया था राइट टू एजुकेशन आर्टिकल ट्वेंटी वन एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू तीन चीजें आपको इसके साथ याद रखनी है एंड उस राइट टू एजुकेशन में क्या क्या आया था कि जो सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स एज है दे शुड बी इन स्कूल ठीक है एंड जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है दैट मीन्स बिलो सिक्स ईयर्स जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए प्लस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी ट्वेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होनी चाहिए हमें पता है ई एस भी एक रिजर्वेशन है ठीक है तो इन्होंने क्या कहा था कि आपकी जो रिजर्वेशन है ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी देनी होगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को तो जो हमारी स्टेट के भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल आप देखते हो तो ई की जो फैसिलिटी है वो उनको भी अपने स्कूल में रखनी होती है तो वो सारी चीज़ें इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आई थी तो यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख लेना जो ये ई है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे तो ये है आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल ट्वेंटी टू ये है रिलेटेड आपके डिटेंशन से दैट मीन अरेस्ट से ठीक है अब इसमें याद रख लेना ये जो अरेस्ट है ये दो टाइप का हो सकता है कैसे दो टाइप का हो सकता है या तो क्राइम हो गया है या क्राइम होने वाला है अगर क्राइम अभी तक नहीं हुआ है और आप किसी को प्रिवेंटिवली अरेस्ट कर रहे हो कि आपको शक है कि हो सकता है वो इंसान किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और जो हमारा आने वाला फंक्शन होने वाला है हमारी कंट्री में वहां पे वो कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर सके ठीक है तो वो टाइप ऑफ डिटेंशन को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन जो बिफोर क्राइम किया जाता है डिटेंशन एक क्राइम हो गया उसके बाद आप किसी को अरेस्ट करो तो उसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन आप किसी को डिटेन करो आफ्टर क्राइम या किसी को अरेस्ट करो आप बिफोर क्राइम तो उस बातों पे इनको दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रख लेना डिटेंशन में और इसमें आप याद रखना इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं चार कंडीशंस हैं चार कंडीशंस हैं जो आप याद रखोगे इसमें आर्टिकल ट्वेंटी टू वन जो है वो है प्यूनेटिव डिटेंशन का एंड आर्टिकल का जो दूसरा पार्ट है ट्वेंटी टू सेकेंड वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का ठीक है तो चार कंडीशंस क्या है कि जब भी कोई अरेस्ट होगा उसमें आपको जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो कम्युनिकेट कर रहा है ठीक है दैट पर्सन को पता होना चाहिए द द अरेस्ट इज मेड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट शुड बी टोल्ड जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है शुड बी टोल्ड ठीक है दूसरा हो गया इट इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट एंड डिफेंड द लॉयर की आपको लॉयर की फैसिलिटी उसको अवेल करवाना अगर वो चाहता है उसको लॉयर मिले तो वो फैसिलिटी उसको अवेल करवाना इंपॉर्टेंट है थर्ड केस में ये उसका राइट right है कि उसको मैजिस्ट्रेट के बिफोर प्रेजेंट किया जाए प्रेजेंटेड बिफोर दी मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है एंड फोर्थ वन इज राइट टू बी रिलीज अगर जज को ये लगता है ही इज कन्विंस की हाँ इसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इसको छोड़ दो तो यू ही हैज गॉट दिस राइट कि उसको छोड़ दिया जाए उसको रिलीज किया जाए तो ये चार कंडीशंस जो है आपके आर्टिकल 22 के साथ आती हैं ये आपको याद रखनी है तो ये आपके चार एक्सेप्शन है जो आपके किसमें आते हैं

अगर आपको लगे कि नहीं मोर देन थ्री मंथ्स हमें इसका डिटेंशन एक्सटेंड करना है अभी भी हमें खतरा है इसकी वजह से तो उस केस में क्या होता है एक बॉडी सेटअप होती है एक एडवाइजरी बॉडी सेटअप होती है एंड वो ये चीज डिसाइड करती है कि हम एक्सीड करेंगे इस डिटेंशन को या नहीं एक एडवाइजरी बॉडी ठीक है सेटअप होगी और वो डिसाइड करेगी क्या इस पीरियड ऑफ एक्सटेंशन को तीन मंथ से ज्यादा एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं सेकेंड है कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है इसमें भी जो जिसको डिटेन किया गया जिसको हम डिटेन है आप को बोलो, लेकिन अगर वो जो है, वो जो रीजन है है आपके नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड एंड एट लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है आप उसको डिस्कलोज नहीं करना चाहते देन आप चाहो तो आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है दैट मीन अरेस्ट करने की वजह वो डिस्कलोज करने की जरूरत नहीं है फाइन फिर थर्ड पार्ट है इसका जो आपका डिटीन्यू है जिसको आपने डिटेन किया हुआ है शुड बी एफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी कि वो एक रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट कर सके अगेंस्ट दी डिटेंशन ऑर्डर ठीक है ये उसको एक राइट right मिलता है रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट दी डिटेंशन ऑर्डर ठीक है अगर आपके लिए ये सब्जेक्ट भी नया है जैसे आपके लिए स्पेशलाइजेशन था मैं इस वीडियो के एंड में हम ये सारा क्विकली दोबारा रिवाइज करेंगे तो उससे आपको क्या होगा बार बार रिवीजन से चीजें जो है वो दिमाग में रह जाती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ आपका खत्म होता है आर्टिकल ट्वेंटी टू अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो क्या है आपका आर्टिकल ट्वेंटी थ्री आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड आर्टिकल ट्वेंटी फोर जो है आपका वो है अगेंस्ट राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन तो जब हमारा फंडामेंटल राइट खत्म होगा मैंने आपको कहा मैं आपको ट्रिक बताऊंगी सारे याद रखने के वो एक टेबल फॉर्मेट में मैं आपको दिखा दूंगी जल्दी जल्दी आप कैसे सारी चीजें याद करोगे ठीक है तो यहाँ पे आप बस इन जो आर्टिकल कहें हैं थोड़ा डिटेल में उनको समझ लो बाद में फिर कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के रिलेटेड था वो आप इजिल याद कर पाओगे तो आर्टिकल ट्वेंटी जो है वो है रिलेटेड प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग PROHIBITION OF HUMAN TRAFFICKING. ह्यूमन so, ट्रैफिकिंग हमने स्पेशलाइजेशन में में भी डिटेल पढ़ा हुआ है इसका क्या मतलब आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ ह्यूमन ठीक है आप किसी ह्यूमन को चाहे वो औरत हो आदमी हो बच्चा हो उनको बाय एंड सेल नहीं कर सकते हो ठीक है आप या अगर वुमेन के रिलेटेड आप फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में उसको नहीं डाल सकते हो इंडिया में जो वॉल्टरी प्रोस्टिट्यूशन है वो लीगल है फोर्स प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इलीगल है ठीक है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री स्पेसिफिकली किसके बारे में कहते हैं ह्यूमन ट्राफिकिंग के बारे में ये चीज याद रख लेना तो यहाँ पे एक आता होगा आपने कहीं पढ़ोगे अगर अगर आप आप किसी एक बुक से ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे आर्टिकल ट्वेंटी बेगार तो ये आपका बेगार होता है ये आपका होता है ये बेगर नहीं है आपका ठीक है बेगर से इसको कंफ्यूज नहीं करना बेगार का क्या मतलब होता है जब आप किसी से काम करवाओ एंड आप उसको कोई पेमेंट नहीं करो ना ही चीजों के जरिए से ठीक है चाहे किसी पहले क्या होता था पेमेंट आप कैश में नहीं करते थे मनी इकोनमी नहीं थी हमारे पास तो आप ग्रेन्स देते दे थे ना आप, आप वैसी चीजें करते थे कपड़े बांधते या किसी को तो यहाँ पे और एक चीज है याद रखने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर आप क्या करोगे आप एक टर्म देखोगे बेगार इस बेगार को आपको बेगर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है ये मैंने आपको स्पेशलाइजेशन में भी पढ़ा है जब हम बेगरी वगैरह पढ़ रहे थे कि बेगार होता है जब आप किसी को कोई पेमेंट नहीं करते हो चाहे वो फूड ग्रेन्स के फॉर्म में हो या कैश के फॉर्म में हो पहले क्या होता था जब मनी इकोनमी नहीं थी आप कैश में पेमेंट नहीं करते थे तो आप क्या करते है? अगर आपके यहाँ कोई काम करता आप उसको कोई फूड ग्रेन वगैरह दे देते दे दे थे ठीक है तो इसको हम बोलते हैं पेमेंट इन कैश और काइंड जितना उसने काम किया है उतना उसको उस हिसाब का उसको कोई चीज आप दे देते दे थे, थे इसको कैश और काइंड बोलते हैं तो बेगार में क्या होता है ना आप कैश देते हो ना आप काइंड देते हो वो होता है आपका बेगार ठीक है ये था आपका आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड आर्टिकल ट्वेंटी फोर है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आर्टिकल जो है स्पेसिफिकली किसकी बात करता बच्चों की एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बात करता है एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग एंड आर्टिकल ट्वेंटी थ्री जो है जो भी आप टर्म्स देखो फोर्स लेबर या फोर्स वर्क बॉन्डेड लेबर या बेगार या ट्रैफिकिंग वो सारे किससे रिलेटेड हैं आपके आर्टिकल ट्वेंटी थ्री से तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी फोर्थ आर्टिकल के बीच में कंफ्यूज नहीं होना एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर ये हमने पढ़ा हुआ है चाइल्ड लेबर में जो आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है 2016 वाला उसने क्या कहा था बिलो 14 इयर्स जो है बच्चों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है एंड अबो 14 दैट मींस वो कम्पलीटली प्रोहिबिट है बिलो फोर्टीन एंड जो अबो फोर्टीन 14 14 कैटेगरी में आ जाते हैं बच्चे ठीक है टीन एजर्स वहाँ पे कुछ रेगुलेशन है कि किन हजारे जोन में वो काम नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं रेगुलेटरी प्रोविजन है, है वहाँ पे लेकिन बिलो फोर्टीन जो है वो कम्पलीटली प्रोहिबिटेड है अगर आप इस चीज़ को रिलेट करो अभी जो हमने पीछे पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि ट्वेंटी वन ए जो है आपका राइट टू एजुकेशन उसका पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज बच्चे हैं वो कहा होने चाहिए दे शुड बी इन स्कूल तो ऑब्वियसली जो बिलो फोर्टीन होंगे वो कम्पलीटली प्रोहिबिटेड होंगे फाइन इसको मैंने इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है स्पेशलाइजेशन में चाइल्ड लेबर वाला पार्ट वहां से आप डिटेलिंग में इसकी जा सकते हो मैं दोबारा इसकी डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करूंगी ठीक है हो गया आर्टिकल ट्वेंटी फोर अब हमें कुछ रिलीजन के राइट्स भी मिले हैं जो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू आर्टिकल ट्वेंटी एट में ठीक है फ्रीडम ऑफ रिलिजन है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो इस इन आर्टिकल्स में हम क्या देखेंगे इस इन आर्टिकल्स में हम सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड चीजें देखेंगे ये आपके रिलीजियस फ्रीडम वाले आर्टिकल्स हैं आर्टिकल ट्वेंटी फाइव देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी फाइव क्या कहता है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव कहता है कि आपको फ्रीडम दी जाती है टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है आपको टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलिजन ये की वर्ड जो है ना ये याद रखना प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट दैट प्रोफेस मीन्स आप अपने रिलिजन के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो पब्लिकली ऐसा कोई इशू नहीं है जैसे आप हिजाब पहनो ठीक है तो वो आपको आप अपना रिलीजन प्रोफेस कर रहे हो हाउ यू आइडेंटिफाई विद योर रिलीजन जैसे सिख है वो टर्बन बांधते हैं तो वो आपके रिलीजन का प्रोफेस करने का पार्ट आता है प्रैक्टिस जैसे आप अपनी रिचुअल सेरेमनीज वगैरह रिलीजियस सेरेमनीज रिलीजियस रिचुअल जो है परफॉर्म कर सकते हो रिचुअल सेमोनीस एंड प्रोपोगेट मीन्स आप अपना रिलीजन जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हो अपने रिलीजन की बातें आप लोगों को बता सकते हो दिस इज राइट टू प्रोपोगेशन लेकिन आपको राइट टू कन्वर्जन नहीं है दैट मीन्स कोई वॉलन्टरीली अगर कन्वर्ट कर रहा है दैट इज ओके लेकिन आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो तो यहाँ पे प्रोपोगेशन का राइट right है राइट टू कन्वर्जन नहीं है कन्वर्जन जो है वो वॉलेंटरीली होनी चाहिए कन्वर्जन जो है वो बाय फोर्स नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाता है कुछ बाद में रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हर फंडामेंटल राइट में आपको मिलेंगी जहां पे नहीं होंगी जो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ ठीक है तो आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन ठीक है तो ये हो गया आर्टिकल ट्वेंटी फाइव आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स क्या कहता है आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स कहता है कि आपको राइट right है टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स राइट टू मैनेज रिलीजियस फिर इसका क्या मतलब हो कि आप अपना एक रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो वो आपकी मर्जी है तो आपको वो मैन right राइट दिया जाएगा मैनेज करने के लिए अपने रिलीजन रिलीजियस अफेयर्स को दैट मीन्स यू यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उसमें क्या होगा मैंने आपको कहा था पहले भी कि हर रिलीजन जो है उसकी कुछ कोर एक्टिविटीज होती हैं एंड कुछ सेक्युलर एक्टिविटीज होती हैं ठीक है कोर एक्टिविटीज होती हैं जो आपका रिलीजियस बिलीफ होता है रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है हम फाइव टाइम नमाज पढ़ते हैं हम रोजा रखते हैं तो वो हमारा कोर बिलीफ है गवर्नमेंट कोर बिलीफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते लेकिन सेक्युलर एस्पेक्ट भी होता है रिलीजन का जैसे आपने इंस्टीट्यूशन अगर रखा हुआ है वहां पर कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो आपके नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ठीक है या वहां पे ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा किसी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा बाकी सारी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल हो रही हैं कि नहीं फाइन तो ये इंडिविजुअल राइट्स जो है बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनको मिल रहे हैं वहां पे प्रॉपरली कि नहीं तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है लेकिन कोर आइडियोलॉजीज में गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं करती है तो ये आपको वो मैनेज करना रिलीजियस अफेयर्स को फिर आर्टिकल ट्वेंटी सेवन किसके रिलेटेड है आर्टिकल ट्वेंटी सेवन कहता है कि आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा नो टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन गवर्नमेंट जो है वो इक्वली सारे रिलीजन को देखती है फाइन इक्वी डिस्टेंट है सारे रिलीजन सेक्युलर वाला कॉन्सेप्ट एंड हमें कोई स्पेशल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा स्पेशली किसी एक रिलीजन को एडवोकेट या प्रमोट करने के लिए फिर आगे आपका आर्टिकल ट्वेंटी एट वो कहता है कि जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है या नहीं मतलब रिलीजियस चीजें आप वहां पे पढ़ा सकते हो या नहीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप इसमें भी आगे सब पार्ट्स हैं कि किस वाले इंस्टीट्यूशन में कर सकते हो किस में नहीं कर सकते हो जैसे अगर आपका जो अ इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीटली स्टेट फंडेड है तो वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो ठीक है फिर कोई ये है अगर इंस्टीट्यूशन है उसको सिर्फ रिकोगशन मिली है स्टेट से स्टेट फंडेड नहीं है तो वहां पे वॉलेंटरी बेसिस पे होता है ठीक है तो इसके भी अलग अलग टाइप्स है आपको इसके सब टाइप्स उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एक बड़े से जो टॉपिक है जी पूरा जिसमें काफी ज्यादा सब्जेक्ट है उसका बस एक छोटा सा टॉपिक है फंडामेंटल राइट तो इसको ही इतनी डिटेल में पढ़ोगे तो बाकी सारा सिलेबस ऐसे ही रह जाएगा ठीक है आपको हर सब्जेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी है उसको डिटेल में जाने से पहले कि कितना डिटेल में आपको किस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है तभी स्पेशलाइजेशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है क्योंकि वो आपके सिक्सटी मार्क्स का टॉपिक है ये हो गया आपका आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट ठीक है फिर आते हैं आपके दो आर्टिकल और ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वो हम देखेंगे उसके बाद हम रिवीजन करेंगे हमने आज क्या पढ़ा आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल थर्टी ये दोनों बेसिकली हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज से रिलेटेड शन ऑफ माइनॉरिटीज तो आर्टिकल ट्वेंटी क्या कहता है देखो ये आर्टिकल जो है ट्वेंटी याद रखो ये एबसल्यूट है इसमें कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है दैट मीन ये आपको कंप्लीट फॉर्म में मिलेगा और हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा पहले जो एप्सल्यूट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे पता भी चले कि आप पढ़ भी रहे हो साथ साथ या मैं ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर मतलब कोई भी ऐसे इंडियन सिटीजन जिनका डिस्टिंक्ट कल्चर होगा डिस्टिंग कल्चर लैंग्वेज एंड अट्ट कैन प्रोटेक्ट द सेम मतलब अगर आपका एक अलग कल्चर है अलग लैंग्वेज है एंड अलग एक स्क्रिप्ट है जो रिटर्न फॉर्म में होता है तो आपको वो फंडामेंटल राइट right दिया जाता है कि आप उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कर सकोगे ठीक है आपसे वो राइट right कोई नहीं छीनेगा अपने कल्चर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी लैंग्वेज रिलीजन की बात नहीं की है जहां पे भी हम माइनॉरिटी देखो दिमाग में एकदम रिलीजन आता है ना हमारी कंट्री में रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी मैं आपको आगे बताऊंगी आर्टिकल थर्टी में आर्टिकल ट्वेंटी नाइन कहते हैं अगर आपके पास एक डिस्टिंग कल्चर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है यू हैव गॉट द राइट यू कैन प्रोटेक्ट द सेम ठीक है इसका सेकेंड पार्ट भी देख लो वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उनको हम डिनाई नहीं कर सकते शुड नॉट बी डिनाइड एजुकेशन पे एजुकेशनल uh, इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन होते हैं एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी डिनाइड ठीक है किन किन ग्राउंड पे रेस के ग्राउंड पे रिलीजन के ग्राउंड पे कास्ट के ग्राउंड पे एंड लैंग्वेज के ग्राउंड पे ये रीजनेबल ये एब्सोल्यूट नहीं है ये आर्टिकल ट्वेंटी नाइन वन जो है वो एब्सोल्यूट है ठीक है इसका सेकंड पार्ट नहीं है एब्सोल्यूट मतलब ये क्या कहता है एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शुड नॉट बी डिनाइड और वो कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे वेदर दे आर फुली और पार्शली फंडेड ठीक है चाहे को गवर्नमेंट फुल फंड करे या पार्सल फंड करे वो आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन कास्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया क्योंकि थोड़ा अगर वो डीप जाने की कोशिश करे इस आर्टिकल में वो यहाँ पे एक चीज लिख सकता है यहाँ पे जेंडर कहीं मैंशन नहीं है इसीलिए हम क्या देखते हैं ऑल बॉय स्कूल है ना को एजुकेशन कहीं स्कूल्स में नहीं होती है ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स स्कूल होते हैं क्योंकि जेंडर के बेसिस पे आप एडमिशन डिनाई कर सकते हो बॉयज स्कूल में आप गर्ल्स को एडमिट नहीं करो गर्ल्स स्कूल में बॉयज को एडमिट नहीं करो दैट इज अप टू यू लेकिन इन चीजों के बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो डिनाई ये भी आपके आर्टिकल 29 का पार्ट है तो ट्वेंटी नाइन वन क्या कहता है डिस्टिंग कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट और ट्वेंटी टू क्या कहता है एडमिशन आप डिनाई नहीं कर सकते हो इन इन बेसिस पे ठीक है नेक्स्ट सीखते हम आर्टिकल थर्टी इसके बाद हम लेक्चर स्टॉप करेंगे लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे उससे पहले हम इसका एक क्विक रिविजन करेंगे ताकि आपको दिमाग में चीजें रह जाए जो हमने अभी तक पढ़ी है आर्टिकल थर्टी क्या कहता है आर्टिकल थर्टी ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का माइनॉरिटीज हैव द राइट टू देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक है अब तो इसमें माइनॉरिटीज में याद रखो माइनॉरिटीज हमारी दो तरीके की होती है एक आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज भी होती हैं एंड एक आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी होती हैं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी सेटअप कर सकती है अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज भी ठीक है आप इसमें यही चीजें याद रख लेना एंड जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो रिकोगनाइज स्टेट वाइज वो रिकोगनाइज कैसे होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो स्टेट वाइज रिकोगगनाइज होती है ना कि कंट्री वाइज ठीक है उनको स्टेट वाइज रिकोग्शन मिलता है उनको अपनी स्टेट रिकोगनाइज करती है ठीक और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का क्या क्राइटेरिया है डिटर्मिन करने का कि माइनॉरिटीज है कि लेस देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वो लैंग्वेज बोलती हो लेस देन फिफ्टी परसेंट लेस देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और वो लैंग्वेज होगी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दो पॉइंट अगर याद रखना चाहो तो याद रख लो ऑफिशियल लैंग्वेज अदर देन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं तो आज हमने कहा पढ़े हमने पढ़े हमें नाइन आर्टिकल पढ़े तो आर्टिकल ट्वेंटी वन टू आर्टिकल थर्टी एक बार क्विकली देख लेते हैं ये आर्टिकल्स क्या क्या है ठीक है उससे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ रिविजन के लिए पहले हम देखा आर्टिकल ट्वेल्व टू तो आर्टिकल ट्वेंटी हमने कंप्लीट किया हुआ है ठीक है फिर आर्टिकल ट्वेंटी वन से हमने स्टार्ट किया आर्टिकल ट्वेंटी वन किस चीज को लेके आपका राइट टू लाइफ तो ये कहता है कि नो पर्सन राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट अगर लॉ ऐसा कोई बनाया जाए कि नहीं कंडीशन में एंड वो लॉ वैलिड है कि नहीं वो कौन जज करेगा उसके अंडर जुडिशियल रिव्यू जो है वो होगा एंड जुडिशियरी वो डिसाइड करेगी एंड उसका जुडिशियल रिव्यू किस में आया था मेनका गांधी केस में नाइनटीन में ठीक है तो जुडिशियल जुडिशरी ने क्या किया है अब जो राइट टू लाइफ है होता क्या है फिर टाइम टू तो टाइम एक्सपैंड होता रहता है अनएंडिंग लिस्ट है जुडिशरी ने इसमें काफी चीजें टाइम टू तो टाइम ऐड करी हैं जैसे राइट टू लाइफ डिग्निटी क्लीन एनवायरमेंट वाटर राइट टू लाइवलीहुड एजुकेशन वो सारा आपका राइट टू लाइफ का पार्ट आता है फिर हमने इसमें देखा एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आर्टिकल ए उसने क्या कहा आपको राइट टू तो एजुकेशन है टू तो स्कूल में होने चाहिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए एंड जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो भी ट्वेंटी फाइव परसेंट आपके ईवीएस के लिए रिजर्व करके रखेंगे ईवीएस किससे आया था वन हंड्रेड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन से आया था ठीक है क्योंकि आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन

इज राइट टू बी डिफेंडेड अ लॉयर उसका उसको हक हाँ है थर्ड वन इज उसको मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रेजेंट करना है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स एंड फोर्थ वन इज अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड कोई ऑर्डर आता है इसको रिलीज करो उसको राइट है रिलीज होने का फिर हमने सेकेंड बोला था प्रिवेंटिव डिटेंशन जो क्राइम आकर करने से पहले आप अरेस्ट करते हो उसमें क्या उसको दिए जाते हैं प्रोविजन uh, कि आप एक्सीड नहीं कर सकते डिटेंशन को मोर देन थ्री मंथ्स को अरेस्ट नहीं कर सकते लेकिन अगर एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप होती है और कहती है कि हाँ इसका जो अरेस्ट है वो जेन्युन है तो आप थ्री मंथ एक्सटेंड भी कर सकते हो उसके अरेस्ट को सेकेंड ग्राउंड बोलो उसको अरेस्ट क्यों किया है लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट उसमें कोई इन्वॉल्व है और आप वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो जरूरी नहीं है आप उसको डिस्क्लोज करो और जो डिटेन्यू है उसको ये राइट right मिलता है राइट टू रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट जो उसको डिटेन किया गया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो रिप्रेजेंटेशन अपनी दे सकता है ठीक right है क्योंकि आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी फोर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ट्वेंटी थर्ड वो रिलेटेड है आपका ह्यूमन ट्राफिकिंग फोर्स लेबर बेगार ठीक है उन सब चीजों से एंड बॉन्डेड लेबर वगैरह से एंड जो ट्वेंटी फोर्थ है वो स्पेशली आपका चाइल्ड लेबर से रिलेटेड दैट मीनस है उनकी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग होगा तो जब ये एक्ट आया था प्रोहिबिशन वाला इनको प्रोहिबिट करने के लिए काम प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर 2016 में उसने क्या कहा था बिलो 14 इयर्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है 14 टू 18 ये रेगुलेट किया जाएगा कि कौन कौन से हजार चीजें हैं वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं ठीक है ठीके? और आर्टिकल ट्वेंटी वन ए ने ही सिक्सटीन टू फोर्टीन क्या कहा था कहाँ होने चाहिए स्कूल्स में तो वो भी इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा वो क्यों ऐसा बोला था फिर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रिगार्डिंग तो ट्वेंटी फाइव का कहता है आपके पास फ्रीडम है प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट करने के लिए अपना रिलीजन आर्टिकल कह, कह, कहता है कि आप मैनेज कर सकते हो अपने अफेयर्स अपना रिलेटेड है, है, है कि टैक्स नहीं पे करना है प्रमोशन ऑफ रिलीजन ट्वेंटी एट क्या कहता है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है रिलीजन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप किस हद तक ये आपके लिए जो है वो परमिट की गई है तो उसमें भी अलग अलग चीजें हैं मैंने आपको कही जैसे कंप्लीटली स्टेट फंडेड होगा तो वहां पे नहीं है ठीक है एंड गवर्नमेंट रिकग्नाइज अगर होगा तो वहां पे वॉलेंटरी है तो इसके अंदर काफी और तीन चार प्रोविजन है उतना डिटेल में आई डोंट थिंक वो आपको पूछेंगे फिर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वो बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की ट्वेंटी वन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है अगर आपका एक अलग कल्चर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है आपको राइट right है उसको प्रोटेक्ट करने का एंड जिसका सेकेंड पार्ट है वो कहता है कि आपको जो एडमिशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चाहे वो फुल्ली या पार्शली एडेड हो बाय गवर्नमेंट वो आपको डिनाई नहीं कर सकते हैं एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन कास्ट एंड लैंग्वेज दैट मीन जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता है इसीलिए हमारे पास कश्मीर में भी जम्मू में भी काफी स्कूल्स हैं जो सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स के अलग अलग हैं आर्टिकल थर्टीन है माइनॉरिटीज uh, के रिलेटेड टू देश रिलेटेड टू इस्टिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज भी आती हैं आपकी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी आती हैं ठीक है तो ये था एक रिविजन एक हमने अभी तक पढ़ा उसका हमने आज किया आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ ट्वेंटी वन ए जो है आपका वो आ गया इसमें राइट टू एजुकेशन का ठीक है ट्वेंटी टू आर्टिकल हमने पढ़ा डिटेंशन से रिलेटेड जिसमें आपके दो आगे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट फिर हमने पढ़ा आर्टिकल ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी थर्ड है आपका रिलेटेड टू ह्यूमन ट्राफिकिंग ट्वेंटी फोर है आपका चाइल्ड लेबर के रिलेटेड तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं हो जाना फिर हमने पढ़ा ट्वेंटी फाइव जो है आपका रिलेटेड टू तो थ्री पीज हमने पढ़े थे प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट फिर अगे आपका आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स विच इज यू कैन मैनेज यूर रिलिजस अफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह चैरिटेबल ट्रस्ट उससे रिलेटेड फिर आर्टिकल ट्वेंटी सेवन कोई टैक्स नहीं पे करना है प्रमोट करने के लिए फिर आर्टिकल ट्वेंटी एट है आपका जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, है वो आप किन स्कूल में प्रैक्टिस कर सकते हो और किन में नहीं कर सकते हो जैसे आपका जो कंप्लीटली स्टेट फंडेड होगा जहां फंड सारे स्टेट से आते हैं वहां नहीं कर सकते हो जो स्टेट रिकोगनाइज होगा वहां पे वो वॉलंटरी होता है ठीक है ये हो गया आर्टिकल ट्वेंटी एट फिर हमने पढ़ा आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल थर्टी ये दोनों प्रोटेक्शन माइनॉरिटी से रिलेटेड है कि आपका डिस्टिंग कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट है यू हैव गॉट द राइट टू प्रोटेक्ट द सेम एंड फिर आर्टिकल थर्टी आ गया आपका आर्टिकल थर्टी कहता है कि अगर आप एक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो आपके पास ये राइट है यू कैन एस्टैब्लिश योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ठीक है वो माइनॉरिटी आप रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकते हो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकते हो तो ये शॉर्ट था जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिविजन ठीक है यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं नेक्स्ट में हमारा फंडामेंटल राइट कवर हो जाएगा उसके बाद हमारा रहता है डीपीएसपी इन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जल्दी हम पॉलिटी सेक्शन जो है वो ओवर करेंगे उसके बाद विल स्टार्ट विद आर हिस्ट्री पोर्शन, ठीक है तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे